नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय शो नोज के स्टार्स विद आभा सोनी। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ है एक स्पेशल मेहमान जिनका नाम है मेहुल सेठी, जिन्होंने ओपन बॉक्सिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो आइए जानते हैं मेहुल से उनके कॉम्पिटिशन के हाईलाइट्स के बारे में और उनके डेली रूटीन के बारे में। मेहुल, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ओपन बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है आपको? हम बहुत अच्छा लग रहा है जीत के। आपकी खुशी का परसेंटेज कितना है? 100%। अच्छा, जब आप बॉक्सिंग करके आए उसके बाद आपको कहीं पेन वेन हुआ? अब तक हो रहा है कुछ? अब तक तो नहीं हो रहा है, उसी दिन था। उसी दिन था। अच्छा, जब आप बॉक्सिंग कर रहे थे, जब आप हिट करते हो, उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा होता है? एम दूसरे को मारना है और हमें जीतना है। जैसे फाइटिंग कर रहे होते हो, पंचिंग कर रहे होते हो, उस वक्त मतलब कहाँ कहाँ पर चोट लग सकती है? मैम, इधर बेल्ट होती है मैम, उसके ऊपर तक मारना होता है। तो मोस्टली कहाँ पे लगती है चोट? मैम फेस पे और मैम चेस्ट पे। चेस्ट पे लगी थी आपके? मैम चेस्ट पे तो नहीं लगी थी, मैम फेस पे हल्की सी लगी थी। मेहुल, जैसे कंपटीशन हुआ, स्टार्ट हुआ, उससे पहले कुछ धकधक हुआ, कुछ घबराहट हुई, कुछ टेंशन हुई? मैम थोड़ी कम हुई थी, इतनी नहीं हुई थी। अच्छा, आपकी एज क्या है? मैम अंडर 14। अंडर 14। अच्छा, अंडर 14 में प्ले करके आए हो? यस मैम। और कौन सी क्लास में हो आप अभी? 9th। 9th नाइन्थ में हो, अंडर 14 हो। बॉक्सिंग में कैसे है, मतलब फैमिली का किसी का इंटरेस्ट रहा इस तरह से बॉक्सिंग में या? नो मैम, विद फ्रेंड्स। अच्छा मेहुल, जब आप बॉक्सिंग कर रहे थे उस वक्त जो ऑडियंस का शोर था वो आपको बूस्ट कर रहा था, इनकरेज कर रहा था कुछ जीतने के लिए? yes, गोल्ड के लिए, मारने के लिए, ऐसा कुछ हो रहा था? यस मैम, वो हम चीखे मार रहे थे कि ऐसे मार वैसे मार। अच्छा, तो फिर उनका भी माइंड में चल रहा था और खुद को क्या लग रहा था, क्योंकि ऑन द स्पॉट उस सिचुएशन में तो आप होते हैं तो आपको पता है कि कैसे हिट करना है? यस मैम, वो उनकी बात सुनाई दे रही थी, उसके साथ हिट भी करना पड़ता है मैम। ठीक है, जैसे आपने ये बॉक्सिंग स्टार्ट कब से किया, आपने कब से सीखना स्टार्ट किया? मैम 2 months। 2 months में? और इससे पहले भी आपने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया, गोल्ड मिला है आपको कभी? नहीं मैम, फर्स्ट टाइम। मतलब आप बॉक्सिंग रेंज में कब उतरे हो? दिस टाइम ओनली। फर्स्ट टाइम? यस मैम। फर्स्ट टाइम बॉक्सिंग रेंज में उतरते ही गोल्ड ले आए? यस मैम। अब आगे एम क्या है? डॉक्टर बनना है। तो इसमें करियर बनाना चाहते हो आप बॉक्सिंग में? वो तो साइड बाय साइड। केवल इंटरेस्ट है? यस मैम। इंटरेस्ट में गोल्ड ले आए? यस। अगर आपको ऐसा मतलब कोई चांस मिले ओलंपिक खेलने का, नेशनल प्ले करने का, तो हम जाएंगे, खेलेंगे। अभी आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें भी करियर बना सकते हो, आगे जा सकते हो? हमें लगता है हम बनना ड्रीम डॉक्टर का ही है। ड्रीम डॉक्टर का ही है। फैमिली में है कोई लाइन में डॉक्टर में? हाँ, ऐसे दादा थे मेरे। अच्छा, दादा है। और पापा एंड मम्मा? पापा बिजनेसमैन है, मम्मी टीचर है। अच्छा मेहुल, आप गोल्ड मेडल जीत के आए हो, बॉक्सिंग में इतना धुआंधार परफॉर्मेंस दिया है आपने, आपका डेली रूटीन क्या रहता है, आपकी डाइट क्या रहती है? हम बस जंक फूड नहीं खाना है मैम, घर पर तो खा सकते हैं और जंक फूड की या जूस पी सकते हैं। आपके कोच के आपको गाइड करते हैं कि आपको ये डाइट लेनी है, ये डाइट नहीं लेनी? हम इसे जंक फूड नहीं लेने, जंक हेल्दी चीज़ें, ऐसे हेल्दी चीज़ें, फ्रूट जूस हो गया। ओके मेहुल, आपका डेली रूटीन क्या रहता है? जैसे अभी आप अंडर 14 हो, नॉर्मल बच्चों की तरह ही आपका रहता है मॉर्निंग में उठना, ब्रेकफास्ट, फिर स्कूल, इसी तरह का रहता है या कुछ चेंज है? यही रहता है मैम, फिर हम जाते हैं मैम, हम 2 hours मिलते हैं, फिर उसके बाद हम कोचिंग, फिर हम बॉक्सिंग। इवनिंग में जाते हो? यस मैम, इवनिंग में। कितने आवर की रहती है? 2 and half hour की। डेली प्रैक्टिस करते हो? यस मैम। ओके मेहुल, थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए, जो आपने कंपटीशन था फाइट किया उसकी जो हाईलाइट्स थी वो हमारे साथ शेयर की। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, हमारी गुड विशेज हमेशा आपके साथ है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बने। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ गोल्ड मेडलिस्ट मेहुल सेठी, जिन्होंने बताया कि उनकी कंपटीशन के हाइलाइट्स क्या क्या थी और वो किस तरह से इस कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इसी तरह के नोज के और भी सितारों से हम आपको मिलवाते रहेंगे, तब तक देखते रहिए नोज के स्टार्स। थैंक यू।